हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैनेशिया फॉर लाइब्रेरियंस क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन। इसी में बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं जो छोटे छोटे फैक्ट से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की शुरुआत कब की गई थी 1887 में, किसके द्वारा? मेलविल डेवी। सेकेंड पॉइंट, इंडिया में लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत करने के लिए जो सियाजी बड़ौदा के जो राजा थे सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय है थर्ड, उन्होंने किसको बुलाया था? डब्ल्यू ए बोर्डन को। डब्ल्यू ए बोर्डन क्या थे? मेलविल डेवी के शिष्य थे और इनका संबंध यूएसए से था। पॉइंट थर्ड, जॉन डिकिंसन, आशा जॉन डिकिंसन की अध्यक्षता में सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस का में पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा कौन सा कोर्स शुरू किया गया? डिप्लोमा कोर्स। फोर्थ, 1992 में उत्कल यूनिवर्सिटी जो भुवनेश्वर में, इन्होंने डीलिट की जो उपाधि है फर्स्ट डिग्री किनको दी? डॉक्टर डी वी शुक्ला। लाइब्रेरी में पीएचडी जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 1935 द्वारा सबसे पहले प्रारंभ किया गया। लाइब्रेरी में फर्स्ट पीएचडी की डिग्री किनको दी गई? डॉक्टर डी बी कृष्ण राव को। विश्व में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पुस्तकालय किस कहाँ पे है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी यूएसए। भारत में सेकेंड पीएचडी जो डिग्री है डॉक्टर पांडे एस के शर्मा को क्या दिया गया? पंजाब यूनिवर्सिटी। फर्स्ट तो याद रहता है डी वी कृष्ण राव, लेकिन सेकेंड भी याद रखना है डॉक्टर पांडे एस के शर्मा। नाइन्थ, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के क्षेत्र में जो भारत में एक सेन गुप्ता थे जिनको दो पीएचडी की डिग्री मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया में एमफिल की डिग्री फर्स्ट सबसे पहले किनको दी स्टार्टेड की किनके द्वारा की? कौन सी यूनिवर्सिटी? दिल्ली यूनिवर्सिटी 1978 में। डब्ल्यू ए बोर्डन के द्वारा भारत में सबसे पहले लाइब्रेरी जनरल की शुरुआत की गई 1912 में, जिसका नाम था लाइब्रेरी मिसलेनी, जिनको तीन लैंग्वेज में पब्लिश किया गया, गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश। भारत में फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल बड़ौदा 1911, ये तो याद ही हो चुका है। सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किनको जाता है? मेलविल डेवी। डब्ल्यू ए बोर्डन मेलविल डेवी के शिष्य थे, इनका संबंध यूएसए से था। भारत में 1901 से 6 से कलकत्ता में एम्पीरिकल लाइब्रेरी जो कि अब नेशनल लाइब्रेरी हो चुका है के पहले लाइब्रेरियन कौन थे? ये भी पॉइंट याद रखना है, जॉन मैकफेरले ने लाइब्रेरी साइंस में पहला कोर्स प्रारंभ किया। सब क्वेश्चन अगर आ जाए कि किसने पहला कोर्स भारत में प्रारंभ किया, तो ये इम्पीरिकल लाइब्रेरी के द्वारा जॉन मैकफेरले। फिर 20 सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा पाठ्यक्रम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब द्वारा प्रारंभ, जो हम लोग को अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिप्लोमा की डिग्री सबसे पहले किनके द्वारा दी जाने लगी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी किसकी अध्यक्षता में? तो आशा डॉन डिकिंसन। मद्रास यूनिवर्सिटी ने 1931 में कौन सा कोर्स शुरू किया? सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की। नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट है, मद्रास यूनिवर्सिटी ने अभी हम लोगों ने पढ़ा 1931 में सर्टिफिकेट कोर्स। 1937 में इन्होंने क्या किया? सर्टिफिकेट कोर्स को किस में चेंज कर दिया गया? डिप्लोमा कोर्स में। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स किस में जो सेकेंड यूनिवर्सिटी जिसने शुरू की वो कौन थी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। पहली तो दिल्ली यूनिवर्सिटी थी। 1957 में डी वी कृष्ण राव ने जो पीएचडी किया था वो किसके अंडर किया था? एक तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन, एक डॉक्टर एस दास गुप्ता। अब ये कुछ कोर्सेज हैं, हम लोग को इनके यूनिवर्सिटी विद डेट याद रखने पड़ेंगे। रेफ्रेशर कोर्स जो है बड़ौदा 1910 से 11, डिप्लोमा पंजाब यूनिवर्सिटी 1915 से 16, पीजी डिप्लोमा मद्रास 1937, बिलिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1947 या 1957 भी किसी किसी बुक में एमसीक्यू में दिया रहता है, तो आप देख लीजिए अगर 47 तो 47 टिक, 57 तो 57। एमलिस जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी 1949, एमफिल दिल्ली यूनिवर्सिटी 1978, पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी 1951। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो डॉक्टर डी बी कृष्ण राव ने पीएचडी की थी उन्होंने किस टॉपिक पे की थी? तो इनका इसका आंसर है फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है सर्वप्रथम लाइब्रेरी पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पहले पीएचडी की जो डिग्री है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा दी जाती थी 1935 में। उन्होंने किस टॉपिक पे दिया था? द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट इनके पे दिया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है,
पॉइंट है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो में जो पांडे एस के शर्मा थे, जिनको पीएचडी की डिग्री मिली थी सेकेंड डिग्री, इन्होंने किस टॉपिक पे किया था? तो एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीडीसी फॉर क्लासिफाइंग इंडोलॉजिकल बुक्स। तो इस तरीके से हम लोग को याद रखना है कि डीबी कृष्णराव का पीएचडी पूछे तो फैसेट एनालिसिस, पूरी दुनिया का पूछे तो पूरी दुनिया का, तो पूरी दुनिया के लोग तो द पब्लिक वाला, और पंजाब यूनिवर्सिटी से एस के शर्मा पूछे तो डीडीसी। सेकेंड आता है कि एक क्वेश्चन आता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक बिल्डिंग है, वो किनके नाम पे रखा गया? तो सियाजीराव गायकवाड़ लाइब्रेरी। फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल इन वर्ल्ड किसके द्वारा एफिलेटेड थी? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ट्रेनिंग कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस स्टार्टेड इन इंडिया, ट्रेनिंग कोर्स किसने शुरू किया था? आंध्र देसा लाइब्रेरी एसोसिएशन 1920 में, कौन से प्लेस में? विजयवाड़ा। डीआरटीसी ने कौन सा कोर्स शुरू किया था? एडीआईएस कोर्स 1962 में, जिसका फुल फॉर्म था एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इंसडॉक ने कौन सा कोर्स शुरू किया था? एआईएस कोर्स 1964 में, जिसका नाम था एसोसिएटशिप इन इंफॉर्मेशन साइंस। तो थैंक यू फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियोस अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स।